इस समय की बड़ी खबर आ रही है कोसी कला से, जहां पर एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगी है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मौके पर पहुंचे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं घटना पर लोगों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड एवं प्रशासन को भी दी है। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना पर मौजूद हमारे संवाददाता भारत शर्मा वहां मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर यह आग कैसे लगी और कितना वहां पर नुकसान हुआ है। कोसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय भारत शर्मा, जहां पर वो ये घटना के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो भारत जी, क्या घटना हुई है वहां पर अभी? जी, मैं आपको बता दूं, एक ओम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर की दुकान थी और दुकान के पीछे ही गोदाम था, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है और आग बेकाबू होने हो गई है और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है, जो आग अभी बेकाबू है। भारत जी, कितने बजे की घटना रही होगी? जी, मैं आपको बता दूं, ये अभी करीबन आधा घंटे पहले की घटना है। आग पर काबू पाने के लिए अभी वहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध हो पाया है? अभी नहीं हो पाया है। हाँ, अभी दो से तीन फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है, बाकी अभी और आ रही है। अभी कितना नुकसान हुआ होगा कुछ अभी आप अंदाजा? अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाया जा सकता है? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पा पाया है। ये थे हमारे साथ भारत शर्मा, जो कि अभी कोसी कला में घटना पर ही मौजूद हैं। वहां पर आग बेकाबू हो चुकी है, अभी आग को काबू में नहीं लाया जा सकता। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन भी आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहा है। देखना होगा कि आग पर काबू पाया जा सकता है या फिर अभी नहीं। खबर पर हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मंच न्यूज।